बॉयज ने कोई चेस करवाई है, परफेक्ट नाइट एंडिंग करवा दी है, इतना खूबसूरत शो किया है। ये मेरे ऊपर मतलब गोप्रो माउंट हो चुका है हेलमेट के ऊपर। कौन सी हिली ना, कौन सी हिली ना, बहुत ही एडवेंचर के चक्कर में यहाँ ज़्यादा ना कोई गेम हो जाए। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, कोई रास्ता नहीं है, उन पत्थरों को चढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शिपा एक्टिव की तरफ से आपका मेज़बान अच्छे से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और डे 7 इन थाईलैंड, आज हम लोग हैं कोह समुई में। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी थी तो हम लोग बैंकॉक से आए थे कोह समुई। कोह समुई एक बड़ा खूबसूरत सा एक आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है ये, आज इसको एक्सप्लोर करेंगे। कल तो हम लोग बैंकॉक से आए और कोह समुई पहुँचे और फिर रेस्ट किया ये वो। आज देखते हैं कोह समुई के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल अपने रूम की बालकनी पे खड़ा हूँ और सामने क्या ट्रॉपिकल व्यू है खूबसूरत, जो मतलब रिजॉर्ट के अंदर ही जो गार्डन हैं उसका व्यू आ रहा है। सामने थोड़ा सा समंदर नज़र आ रहा है। फ़िलहाल हम लोगों ने जाना है नीचे ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। टाइम हो रहा है 9 बजे। में सोचा ये था कि सनराइज़ के टाइम उठेंगे, सनराइज़ देख के आएंगे ये वो, लेकिन हम पिछले 2 दिन से जाग रहे थे तो सुबह किसी की भी अलार्म पे आँख निकली। तो अभी खैर नीचे होटल ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे दिन में क्या करना है। होटल रूम्स के बाहर आपको कुछ बटन्स नज़र आते हैं जिसमें होता है डू नॉट डिस्टर्ब या मेकअप, कि आप वो बटन दबा के चले जाते हैं वो लाइट ऑन हो जाती है। कि अगर मेकअप पे है तो आपका कमरा सेट कर जाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब है तो वो नहीं खोलेंगे। यहाँ पर इसका स्टाइल ये वाला है, अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब लगाना है तो इसको खोल दो, मतलब आप सो रहे हो कोई तंग ना करे। अगर आप कहीं जा रहे हो और आप चाहते हो कमरा सेट हो जाए तो इस वाले को खोल दो। ये इस तरफ खूबसूरत पूल, और ये बेसिकली इन्फिनिटी पूल है। उसके अलावा बीच है, बीच के बिल्कुल सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे नाश्ता चल रहा है। अच्छा भाई, नाश्ते में जितनी भी मीट वाली चीज़ें हैं राइस के साथ या नूडल्स के साथ, वो सारा पॉर्क है। तो सारा हम जो ले रहे हैं वो फ्रूट है, उसमें योगर्ट है, योगर्ट के ऊपर हलाल का साइन है इसलिए हम खा सकते हैं। उसके अलावा केला है और चीज़ ऑमलेट है, उसके अलावा सॉसेज हैं, ब्रेड है, कॉफ़ी है, जूस है। तो इसी में ही बॉयज़ 3-3 राउंड लगाई खड़े हैं। You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do? हाँ, मज़ा आ रहा है इस व्यू के साथ, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा ख्याल है कि मैंने जिंदगी में जो सबसे बेस्ट व्यू के साथ नाश्ता किया वो आज हो रहा है। बस धूप थोड़ी सी तेज़ है, अल्लाह ताला प्लीज़ थोड़े बादल शादल आ जाएं। चलती है क्या जी? बीच बीच में थोड़ी सी ठंडी हवा आती है। हाँ, बीच बीच में आती है थोड़ी सी ठंडी हवा, लेकिन मोस्टली धूप क्लियर है बिल्कुल। साइडों पे बादल हैं, जहाँ मैं वहाँ बादल नहीं है, वो सामने वाले आइलैंड के ऊपर बादल हैं। लेकिन ये गोरों के लिए हेवन है कि बहुत तेज़ धूप निकली और उनको बीच मिल जाए। वो अभी सारे नाश्ता करके गए, अभी नंगे पुंगे होकर यहाँ पे वापस आ जाएंगे। बाय द वे, ये पीछे पूरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, लेकिन हमने जगह चूज़ की है ये वाली। ये टेबल है और टेबल के बिल्कुल सामने हमारे पास समंदर के नज़ारे हैं, खूबसूरत नाश्ता हो रहा है। आप लोग बताओ आपको ये व्यू कैसा लगा? रेस्टोरेंट से नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने बैठने की साइड पे बहुत जगह बनाई हुई है, तो मैं तो अपना जूस उठा के ले आया हूँ। ले जी, हम रेडी वेडी होते रहे थे, अपने अपने चश्मे, अपने अपने चश्मे, सबको मैंने चश्मे उधार दिए, इनसे मैं 10 बाथ पर डे लूंगा चश्मों के लिए। हमने तो चप्पलें भी रखी हैं, बता दिए
क्या हमने चप्पलें भी रखी अपने अपने बैग में नहाने के लिए अलग से ट्राउजर और अगर कहीं मूड शूट बन गया तो रख लो एक एक चीज चलो चलो कल वाली वीडियो अगर आपने देखी थी तो आपको पता होगा कि हम लोग आइलैंड पे हमने स्कूटीज़ बुक कर ली हैं और स्कूटीज़ बुक करके हम पूरा आइलैंड घूमेंगे तो ये उसका हेलमेट है। अब ये चीज़ अगर मुझे पहले पता होती तो मैं अपना हेलमेट अपना माउंट लेके आता ताकि मैं प्रॉपर मोटो व्लॉग कर सकता लेकिन मुझे लग रहा था कि इंटरनेशनल लाइसेंस के बगैर तो आइलैंड पे भी चलाने नहीं देंगे लेकिन उन्होंने कहा आप चला सकते हो तो वैसे इस तरह के प्लान्स आगे काफ़ी सारे हैं। ये पीछे जो गाना चल रहा है इससे कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए मेरी वीडियो पे। अब मैं गोप्रो माउंट तो करने लगा हूँ, चीज़ें सारी मैंने अपनी साथ रखी होती हैं इक्विपमेंट की पूरी, गोप्रो माउंट्स मेरे पास हैं, सब कुछ माउंट में कर लूँगा लेकिन जिस तरह वो माइक मेरा अपने हेलमेट में सेटअप हुआ है वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो आपको पूरे आइलैंड का एक व्यू लाजमी आएगा तो क्योंकि मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, उसके लिए मेरा चिन माउंट होता है उसके अंदर माइक लगे होते हैं वो चीज़ें भी नहीं हो सकती यहाँ पे। हेलमेट माउंट हो चुका है ये मेरे ऊपर, मतलब गोप्रो माउंट हो चुका है हेलमेट के ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा है, इससे आपको आइलैंड का जहाँ से हम गुजरते जाएंगे वो व्यू आता जाएगा और बातें शायद ना हो पाई। मैं कोशिश तो करूँगा इसके ऊपर, वैसे मैंने मीडिया मोड लगाया हुआ है माइक लगा हुआ है बट मुझे कंफर्म नहीं है कि आपको आवाज़ आएगी या नहीं। ये खड़ी हैं जी स्कूटियाँ और ये हमारी स्कूटी, स्कूटी नंबर 1 एंड स्कूटी नंबर 2। हम दोनों रेडी हो रहे हैं, मेरे लोकेशन लगा ले। लो जी स्कूटी, ओए ओए निकी निकी टैरियाँ, नामूंग वाटरफॉल, यही है नामूंग वाटरफॉल हम लोग जा रहे हैं आज। ओए बम्पी जम्पी गम्पी ब्रम ब्रम ब्रम, ये सारा समंदर से हमने स्ट्रेट 1 किलोमीटर इस तरफ जाना है तो हमारा सामने जो है वो रोड आ जाती है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार आइलैंड के। हमने जाना है राइट और ये मेन रोड आ चुकी है। उड़ा 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 ब्रम 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 ब्रम, चलो 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 चलो। अच्छा स्कूटी में सीन ये होता है कि हमारे बिल्कुल सामने कुछ भी नहीं है, मतलब मैं टूरिंग बाइक चलाने वाला बंदा हूँ तो उसमें मेरे सामने शील्ड होती है, मुझे मुंह पे इतनी हवा नहीं लग रही होती, प्लस प्रॉपर हेलमेट। अब स्कूटी का ये है कि इसमें सामने कुछ नहीं है, बंदे को लगता है कि मैं रोड के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट सीधा जाना है तो ये इतना बड़ा आइलैंड है। हम लोग को सबसे ज्यादा डर इसी चीज का था कि यार इतनी धूप है, ये स्कूटी चेक करो, नहीं ये तो होंडा गोल्ड विंग था, इनकी स्कूटियां भी ऐसी हैं, मतलब 500-500 cc स्कूटी भी है, बड़ी महंगी वाली अच्छी स्कूटियां। खैर हम लोगों को सबसे ज्यादा डर ये था कि यार इतनी धूप है ये वो, फिर हमने सोचा यार धूप है तो खैर निकलते हैं, सन ब्लॉक लगाए हमने ठोक ठोक के, लेकिन अब बादल आ गए और इतना मजा आ रहा है यार। यहाँ पे क्यों रुके हो, क्या हुआ है? अब पंचर बाइक पंचर हो गया, अभी ये भी दुकान मिली है, शुक्र है वहीं पे पंचर हुआ है जहाँ पे दुकान थी। अब इसको पूछते हैं, ये हमें मुझे पता चीज़ा लेगा हमारा बशीर भाई, पंचर। ओए होए 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 यार, ये हम रोड से मुड़े हैं और ये सारा जंगल शुरू हो गया क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे। ओए उमेर पकड़ के बैठ, वैसे मेरे पास स्कूटी जो है ये 125 cc है। ओए ओए इतना स्टीप हो गया यार, ये देखना मुआंग वाटर पार्क, यहाँ मुड़ना है आगे से मुड़ना है, कहाँ से कह रहा है ये तो आगे है। ओ ये रेस्टोरेंट वाली आंटी से पूछा, रेस्टोरेंट वाली आंटी से पूछा ना मुआंग वाटरफॉल इस तरफ, ओके थैंक यू। हाँ वापसी यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। ओए यार क्या खूबसूरत जगह है यार, ऊपर से मौसम इतना प्यारा हुआ है। ओए स्कूटी स्कूटी की जान निकली पड़ी है, तो मैं हिली ना, मैं जाने लगा था अभी। ओए 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 चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे, ओले कितना नीचे है, फुल आहिस्ता भाई। ओए 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 यार देखिए मेरी ब्रेक है ना इधर, ओए खुद ही ये तो मैं ब्रेक लगाई हुई खुद नीचे जा रही है। ओए होए 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 मैं अरसान मेरे सामने ना ही समुई ट्रॉपिकल गार्डन ना मुआंग वाटरफॉल 100 meters ऊपर, राइट 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 वहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। ओए स्कूटियाँ तो वहाँ खड़ी हैं, वाटरफॉल 2 का रास्ता जा रहा है वो बेटा, वो 30 मिनट की हाइक है,
वहाँ से वो नीचे से वाटरफॉल 2 का रास्ता है, 30 मिनट्स हाइक। हम अभी ये वाली तो देखे, ये तो लोग खड़ी करके गए हैं। पकड़ ले मुझे। ओए नीचे चलते हैं, वो 2 पे ही चलते हैं फिर। हाँ आ जा बैठ, गेट बांध है जो कहता। चलो चले मितवाइन ऊंची नीची राहों में। भाई यहाँ से पहले तू जा फिर मैं आऊँगा, और तुम्हारा टायर अल्लाह हाफिज होने वाला है। अभी तो नहीं है टाइम। ओह फोन सी हिली ना। बहुते एडवेंचर के चक्कर में यहाँ ज़्यादा ना कोई गेम हो जाए। ओए ब्रेक ही नहीं लग रही। स्कूटियाँ पार्क हो चुकी हैं और क्या खूबसूरत जगह है। मतलब मैं आते हुए इसको देख के आया हूँ, मैं हैरान रह गया। कहाँ मतलब एक आइलैंड, समंदर ही समंदर, बंदा सिर्फ बीच एक्सपेक्ट कर रहा होता है, बीच में पहाड़ आने शुरू हो गए, पहाड़ों के बीच में आ गए। और क्या खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है यार। और मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये दो, एक नामोंग वाटरफॉल 1, 2। अभी जब मैं नीचे गया था तो वो नीचे वाली जो थी वो बंद पड़ी हुई है, तो हमें 2 पे जाना पड़ेगा। जहाँ पे स्कूटी पार्क की है वहाँ से 2 30 मिनट्स की हाइक है, तो अभी 30 मिनट हमने ऊपर चढ़ना है यहाँ से। हेलो पानी क्यों डाइट पे? पानी तो तेरे पास है, और लेना वो खत्म हो गया, एक बड़ी बोतल ले लो यार। पीच टी ना मांग नंबर 2। या यस वेयर हाउ फार गो अबाउट स्टे हियर नंबर 1, नंबर 2 अप देयर 10 मिनट वॉक। थैंक यू आर यू कमिंग फ्रॉम नामोंग वाटरफॉल 2? ओह नो वी जस्ट या you have to go on the waterfall right. 1 or 2? Oh, that's 2. 2. Okay, how far is it? I think around 10 minutes. Around 10 minutes. Thanks a lot. Auntie ne kaha tha 1 by 1 jao. Chalo chale jao. 1 by 1. 1 by 1 wo keh rahe hain, oye. 1 by 1 keh rahe hain. To wo teen ikatthe hain? Nahi. Wo kal aayega. Kal mujhe jana hai. Ja fancy ja. इधर से उस तरफ जाने के लिए ये एक पुल है, जिसके मतलब इतना नीचे गहराई कोई नहीं है, ये नीचे पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं और वो वाटरफॉल का पानी गुजर रहा है, लेकिन ये पुल है बिल्कुल फटियों से जुड़ा हुआ है। और वो आंटी ने कहा है कि एक बंदा एक टाइम में गुजरो, तो उसी बहुत वजनी हो, तुम पलवान हो, तो सारे ने इकट्ठे नहीं जाना, तो इसलिए एक एक करके यहाँ से गुजर रहे हैं। ओए होए, और ये इतनी खूबसूरत जगह है यार, इतनी खूबसूरत, मतलब मैं कसम से, मैं वो बंदा जो स्पीचलेस नहीं होता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये पूरा एक जंगल है और जंगल के अंदर ये पीछे वाटरफॉल है। आई थिंक ये वाटरफॉल 1 है, हम लोगों ने 2 पे जाना है, यहाँ से 10 मिनट आगे होगी। इस वाटरफॉल की हाइक इजी नहीं है, ये देखो कैसा रास्ता जा रहा है, सिर्फ एक एक पत्थर रखा हुआ है, वो उमेर पहुंच चुका है ऊपर, बिल्कुल सीधा आपने चढ़ के जाना है। अरे हा 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 हा, ओए होए 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 होए, आ जा रस्सी को पकड़ के आ जा। ऐसे जिस तरह बंदा दीवार के ऊपर चढ़ रहा है ना, सही बात है, ऐसे कदम क्या हो। हाँ इट्स नॉट ए हाइक, इट्स मोर लाइक ए रॉक क्लाइंबिंग। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, कोई रास्ता नहीं है, उन पत्थरों को चढ़ना है। वो स्टेप इतना बड़ा भी हो सकता है, वो स्टेप इतना सा भी हो सकता है। दिस वाटरफॉल शुड वर्थ दिस हाइक। हसन और इस्लान पीछे रुके हुए हैं अभी, क्योंकि बहुत मुश्किल रास्ता है मजाक के अलावा। अभी मुझे एक गोरा गोरी मिला, मैंने कहा कितना आगे है, कहते इट्स प्रीटी क्लोज, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट ओनली। बहुत खूबसूरत व्यू है ऊपर, लाजमी जाओ। ये को मैं कह जाके, मेरे पीछे दो बेली बैठे ना, उन्होंने दस क्या चंगा है, हंसने लगे दोनों कि अच्छा हम उनको बताते हैं। फिर कैमरे देख कहते कि तुम्हारी मशीन ऊपर वाले व्यू के लिए बेस्ट है। मैं कहा हम अच्छा कैप्चर कर पाए इसको, बाकी बातें बाद में।
अब बंदा पूछे इस रास्ते को कैसे क्रॉस करना है, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ये इस तरह पत्थर जा रहे हैं कि अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो आप जंगलों में जाओगे। गेट रेडी फॉर द व्यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ओए होए 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 दिखाता हूँ अभी। ओए यार ओए होए होए होए, पहले मैंने सिर्फ इस व्यू को देखा जंगल में से निकलते ही, बट व्यू तो ये है। आए हम लोग वाटरफॉल के लिए थे, वाटरफॉल देखी मुझे बड़ी प्यारी लगी जब मैं यहाँ से निकला, लेकिन जब मैंने ये वाला व्यू देखा है ओए होए होए, इसके बाद तो मतलब जो बंदा कहता है कि यार ये क्या जगह है और ये सब क्या है, मैं मतलब इतना माशाल्लाह खूबसूरत ये व्यू है। हम जो हाइक करके आए नीचे, उन्होंने कहा 10 मिनट, मैं कहा सही है ये तो पास ही है। हम तकरीबन आधा घंटा हाइक किए हमने और इतना कोई रुके नहीं है, बीच में शायद 5-6 सेकंड के लिए कोई रुके होंगे, लेकिन ऊपर आके यार ये वर्थ इट है। मतलब ऐसे या ये तो हम टॉप पे आ गए, सिर्फ ये पहाड़ इतना सा रह गया ऊपर, और क्या खूबसूरत ये इंतहाई खूबसूरत ये व्यू है सारा। अभी इसके अंदर टू बीच जितना ऊपर जाना मुश्किल था उससे डबल मुश्किल है नीचे उतरना। आसान लग रहा है, तू बताइए इसमें से ऐसी बयान नहीं दिया। बस ये है कि सांस नहीं चढ़ता, हाँ। टेक्निक ज्यादा लगानी पड़ रही है, वापस टेक्निक ज्यादा लगानी पड़ रही है। पत्थर अभी नजर भी आ रहे ऊपर से कि कौन सा प्रॉपर सही है, हाँ। अभी ये सीधा जा रहा है नीचे ये वाला रास्ता, ये थोड़ा सा स्लोपी तो ओए तौबा। आंटी आपने हमें सही गेड़ू दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत ही मज़ेदार था ऊपर। बाय बाय टाटा। अच्छा आज के दिन का हम लोगों का प्लान ये था कि हम वाटरफॉल जाएंगे, वाटरफॉल के बाद हम फिर निकलेंगे बीच पे सनसेट देखेंगे, लेकिन जब हम लोग वाटरफॉल पहुंचे तो हमने देखा कि बादल आ चुके हैं, सनसेट होगा नहीं, तो यहीं पे तसल्ली से टाइम गुजारते हैं। वहां तसल्ली बख्श टाइम गुजारते रहे, जब नीचे उतरे तो देखा सनसेट हो रहा था, ऊपर हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि सारे बादल थे और एक साइड पे थोड़े थोड़े बादलों में से सनसेट हो रहा था। कोशिश की कि बीच पहुंचे लेकिन नहीं पहुंच पाए, इतना टाइम नहीं था, वो बिल्कुल नीचे जा चुका था, बहुत खूबसूरत सीन था वो। खैर अभी हम लोग आए हैं उसके पास ही खाना खाने के लिए यहाँ पे, फिर मैंने सोचा कि भूख लग रही है सर्च कर लें रोटी रोटी कितने खानी है, तो यहाँ पे एक रोटी और टीन हलाल फूड है ये, और मतलब रेस्टोरेंट कैफे बना हुआ है, बड़ा ठीक है, स्ट्रीट फूड स्टॉल टाइप नहीं है, एक सिंपल रेस्टोरेंट है, थाई फूड मिलता है यहाँ पे भी। तू मुझे अब इसको ऑर्डर दे के दिखा, इसी को दिया है, इसी को दिया है यार, न्यू ऑर्डर यार। गूगल ट्रांसलेट में करके वो तो एक गूगल ट्रांसलेट और फोन निकाल, गूगल ट्रांसलेट करके दे इसे। ओके राइस विद स्टिर फ्राइड एंड रेड करी, या दिस वन चिकन, दिस वन विद बीफ। खाना माना आ चुका है, हमने मंगवाई है टोटल 8 डिशेस, जिसमें से भी हमारे पास आई हैं 5 डिशेस, सारा मिक्स ही है यार, कोई ओस्टर सॉस में है, कोई गार्लिक के साथ है, कोई रेड सॉस के साथ है, कोई रेड पेपर के साथ है, डिफरेंट मिक्स आता है, लेकिन खाना ऑलमोस्ट सेम है इनका, है ना? वही चीज़ है जो हमने कल खाई थी, बट ज़रा कोई थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन जाता, कोई कम अच्छा बन जाता। ऑलमोस्ट सारी डिशेज सेम थी, कोई हल्की सी मीठी थी, कोई हल्की सी स्पाइसी थी, कोई लेस स्पाइसी थी, तो बस ये था कोई डिफरेंट ऐसा चाहिए। मैंने 8 डिफरेंट चीज़ें मंगाई थी तो बस वो खा लिया, अच्छा खाना था, हलाल था, अच्छा पेट भरा। थाईलैंड में सिंगल सर्विंग आप जो मंगवाते हो इनकी खुराक है बड़ी कम,
तो वो खाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, वो उसी हिसाब से सर्व भी करते हैं। तो वो एक हमारे जैसे बंदे के लिए, मेरा तो कुछ नहीं बनता मजाक के अलावा। तो हम अगर चार बंदे हैं तो हमने आज 8 डिशेज मंगवाई थी मेन, तो वो फिर जाके अब हमारा काम ठीक हुआ है कि हाँ भूख पूरी हो गई है। แล้วก็เคสนี้4คนเป็นเวจิเตเรียนได้อยู่เนาะโอเค everything okay thank you so much and enjoy your trip for tomorrow thank you so much तो खाने वाने खाने के बाद हम लोग आ गए थे चेवांग बीच वाली साइड पे। चेवांग बीच जो है ये कोसमुई का सेंट्रल एरिया, मतलब यहाँ पे आके आपको पूरी एक वाइब आनी शुरू होती है कि मैं बड़ी किसी रशी जगह पे हूँ। और अभी तो वैसे ऑफ सीज़न है, अगर ऑन सीज़न हो तो ये इतने, मतलब यहाँ पे लोगों के भाई यहाँ पे लोगों के सारे सर नज़र आ रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जगह है, उसके अलावा फूड स्पॉट्स हैं, उसके अलावा बार्स हैं बहुत ज़्यादा। कहीं की भी कोई टिकट बुक करवानी है तो वो करवा सकते हो, जो हम अभी करवा रहे थे। हम लोगों ने कल को ताओ जाना है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है फॉर स्नॉर्कलिंग, तो वो हमने बुक करवाया अभी उस आंटी से। और अभी बस वैसे ही हम इस एरिया में फिर रहे हैं, इसको ज़रा एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर बारिश आ रहे हैं, एक पूरी स्ट्रीट बनी हुई है, मज़ेदार सीन है अभी। ये आग फेंकेगा दूसरे की तरफ और वो कैच करेगा इसको। ये हम लोग एक बार पे आए हैं, इसका नाम है आर्क बार, और यहाँ पे क्या खूबसूरत माहौल लगा हुआ है। मतलब मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था कि अगर आप कोसमुई जाओ तो आर्क बार इज़ मस्ट और ये वो, और वो अब वाकई आके पता लग रहा है। खूबसूरत माहौल है, लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी ड्रिंक्स लेके, और सामने समंदर है ये इस तरफ सारा। और यहाँ पे दो तीन बॉयज़ हैं जो अपने शो कर रहे हैं आग के साथ, मतलब उन्होंने स्टिक के ऊपर आग लगाई हुई है, आग लगा के वो उसको घुमा रहे हैं, एक दूसरे को कैच करवा रहे हैं। बड़ा मतलब हैवी सीन चल रहा है, मज़ेदार किस्म का, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है। तो एक खूबसूरत, मतलब आपका दिन जहाँ ख़त्म हो रहा होता है वो वाला सीन है। चस करवाई है, परफेक्ट नाइट एंडिंग करवा दी है, इतना खूबसूरत शो किया है, डिफरेंट फायर वर्क उन्होंने करके दिखाए। अभी वो टिप लेते फिर रहे हैं। हाँ यार, थाईलैंड ट्रिप इतना कोई मज़ेदार और इतना कोई खूबसूरत चल रहा है कि आपकी सोच है। ऐसी ऐसी यहाँ पे जगह हैं, बंदे का एक दफ़ा दिल खुश हो जाता है। बस ये है कि यहाँ पे ज़िंदगी थाईलैंड में सिर्फ की है या कपल्स की है, सिंगल लौंडों की कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर आप बार में आ रहे हो और सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा रहे हो तो आपको थोड़ा सा आप उनके प्रायोरिटी कस्टमर नहीं होते, क्योंकि वो बाकी ड्रिंक्स बड़ी महंगी होती हैं, या शायद सब वो पी रहे होते हैं और आप अकेले सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाते हो तो वो उनको लगता है कि केड़ा आ गया, मतलब ये कि समझ तो बाहर है। हमें सिर्फ नेचर को इन्जॉय करना है, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को इन्जॉय करना है, और देखना है कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रंग नस्ल के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ, किस तरह से अपने टाइम गुजारते हैं। अभी जिस तरह बार में बैठ के मैं देख रहा था, सारे मतलब आके सही बैठते हैं बिल्कुल, कोई 15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता होता, वो किसी चीज़ पे नाच रहे होते हैं, किसी चीज़ पे कुछ कर रहे होते हैं। हर किसी की पूरी दुनिया में एक अलग अलग वो कुछ है जीने का तरीका, या जो भी। खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआ में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। वो बॉयज़ पीछे रुक गए और क्या हो गया।